नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपकी हड्डियां भी समय से पहले कमजोर होती जा रही हैं? समय से पहले आपकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, मतलब कि आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है और दिन ब दिन चश्मे का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तक चश्मा लग चुका है। इसके साथ साथ आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपका बीपी हाई रहता है, डायबिटीज की आपको समस्या है, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो गया है। कुछ भी खाते हैं हमेशा खाने के बाद कभी भी आप एक्टिव फील नहीं करते, बल्कि हमेशा आपको सुस्ती छाई रहती है। और आपको बहुत ज्यादा खाने के बाद एसिडिटी, भारीपन, ये सारी समस्याओं को अगर आप फेस कर रहे हैं तो बस आज से ही मेरी बताई हुई इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। ना ही कभी आपको कैंसर होगा, ना ही शुगर, ना ही डायबिटीज, ना ही मोटापा, ना ही आंखों की कमजोरी, और आपके शरीर के ऑर्गन्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपके बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही तो वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि उनमें दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। सुनकर हैरानी हो रही है ना? बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी में हमने सूरज की किरण को यानी सूरज के संपर्क में आना बिल्कुल छोड़ दिया है। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा इंडोर लाइफस्टाइल जीने लगे हैं आउटडोर की जगह। आपको पता है पहले के जमाने के लोग घर के अंदर कम और घर के बाहर ज्यादा बैठा किया करते थे, हमेशा सूरज की रोशनी में खेती किया करते थे, सारे घर का काम किया करते थे, बच्चे सूरज की धूप में खेला किया करते थे, तो उनका विकास उसी की तरीके से भी होता था। ना ही कभी पहले डायबिटीज थी, ना ही कभी ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता था, ना ही किसी की लंबाई में दिक्कत, ना ही किसी की हड्डियों में कमजोरी थी। लेकिन आजकल ये सारी समस्याएं बुढ़ापे को तो छोड़, लेकिन समय से पहले हमारे शरीर में ये सब कुछ होने लगा है। बाल समय से पहले पकने लग जाते हैं यानी सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, साथ में हड्डियां तो बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी हैं। आजकल 25 साल की उम्र में ही हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन की समस्या आने लगी है, और इसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बहुत ज्यादा तरह की मेडिसिन खाते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको सूरज की रोशनी में जाना कितना ज्यादा जरूरी है। सूरज की रोशनी में छोटा सा पौधा भी लगाया जाए तो वो भी एक बड़ा पेड़ बन जाता है। सूरज की रोशनी में ही उगाए हुए खेती में बहुत तरह से आपको फल, अनाज, सब्जियां मिलती हैं। जब उनका विकास हो सकता है तो आपका विकास कैसे नहीं हो सकता। तो खुद सोचिए कि अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को एक कमरे में और एक पूरे घर में बांध के ना रखें। जब सूरज उगे तो उसकी रोशनी में उनको खेलने दें, खुलकर उनको बढ़ने दें। आप खुद नोटिस करेंगे कि उनकी हड्डियां बिल्कुल ठीक है, उनकी लंबाई बढ़ने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को थोड़ा ब्रीफ में, ताकि आपको सूरज की रोशनी के फायदे पता लगे और आज से ही आप अपनी जिंदगी को बदलने की ठान लें। मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि सूरज की रोशनी कितने बजे से कितने बजे तक आपको लेनी चाहिए, किस तरह से आपको सूरज स्नान करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं, और बहुत कुछ। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा टाइम देंगे, ध्यान से सुनेंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। और मेरा मोटिव सिर्फ आपको स्वस्थ और आपको स्ट्रांग करना है, खुश रखना है। अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं तो ऐसे में सूरज की रोशनी आपको जरूर लेनी चाहिए, ना कि कोई हड्डियां तेज करने की कैल्शियम की दवाएं, बहुत तरह की विटामिन्स, पिल्स, इनकी जगह आप नेचुरल धूप लें। वो भी कब लें वो भी जान लीजिए। आपने सूरज की धूप लेनी है सुबह के वक्त जब सूरज उगता है, और रात को जब शाम को ढलने लगता है उससे एक घंटे की पहले की धूप आपने लेनी है। ये आपकी स्किन को कोई काला भी नहीं करेगी और उससे मिलने वाले सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। ये आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगी क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन डी मिलता है। चाहे आप मार्केट की कितनी भी विटामिन डी की गोलियां खा लें, कितने सारे इंजेक्शन लगवा लें, लेकिन कभी भी आपकी हड्डियां स्ट्रांग नहीं बनेंगी जब तक कि आप सूरज की धूप नहीं लेंगे। तो आज से ही अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस या गठिया या आपको कोई भयंकर बीमारी ना हो हड्डियों की, तो प्लीज आज से ही विटामिन डी लेना शुरू करें, वो भी नेचुरल धूप से। इसके लिए आप घर के आंगन में, बालकनी में, छत पर, थोड़ा पार्क में, कहीं भी जाकर सूरज की, जब सूरज उगता है सुबह, उसके एक घंटे की धूप जरूर लें, और फिर देखें कि आपकी हड्डियों में जितनी भी कमजोरी थी, मांसपेशियों में सूजन थी, कमर दर्द थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, सारी की सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगी। मेरे कहने पर आज से एक हफ्ता सूरज की धूप लेना शुरू करें, दोनों वक्त की। अगर दोनों वक्त की पॉसिबल नहीं तो सुबह की लें, शाम की मत लें। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दोनों धूप लेना जरूर पॉसिबल करें अपनी लाइफ में, और एक हफ्ते में आपको पता लग जाएगा कि दवाइयां आपके शरीर पर असर करी हैं या धूप का असर है। अब बढ़ते हैं दूसरे फायदे की तरफ, जो है आंखों की रोशनी।
आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गया है। किस लिए? क्योंकि उनको हम धूप में नहीं जाने देते, उनका रंग काला पड़ जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा। ये बातें सच हैं कि जब आप तेज धूप में बच्चों को खड़ा करेंगे तो वो सारी तकलीफें होंगी, लेकिन सुबह की जो पहली धूप है, जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे की धूप, और जब सूरज ढलता है वो 1 घंटे की धूप आप लेंगे, तो आप उस अपनी आंखों से अगर सूरज को डायरेक्ट देखेंगे तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। अपनी आंखों को बंद करें, खोलें, पलक झपकाएं और धूप को यानी डायरेक्टली सूरज को देखते रहें। ऐसा करने से आपकी आंखों पर चश्मा जो चढ़ा है ना, उसका आप टेस्ट करवा लेना, उसका नंबर अपने आप कम होने लगेगा और धीरे धीरे बिल्कुल आपका चश्मा हट जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप आज से ही 1 महीना लगातार अपने बच्चों को धूप से डायरेक्टली अपनी आंखों से धूप यानी सूरज को देखने देते हैं सुबह और शाम में, और खुद भी देखते हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी में जमीन आसमान का फर्क आपको खुद दिख जाएगा। तो जरूर इस नुस्खे को आजमाइएगा और मुझे उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक रहता है तो ऐसे में आपको सूरज की धूप जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे सूरज के हम एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा मोटापा इससे कम होने लगता है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक ऐसा कंपाउंड जो सूरज के एक्सपोजर के बाद आपकी त्वचा में रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जितना भी फैट है वो खत्म होने लगता है, डायबिटीज कंट्रोल में आने लगती है और आपका शरीर एकदम अंदर से साफ और स्वस्थ हो जाता है। तो अगर आपको कब्ज की समस्या है, मोटापे की समस्या है, पेट फूलने की, एसिडिटी की, किसी भी तरीके की डाइजेशन की समस्या है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी आज से लगातार 1 महीना। मैं आपको कहती हूँ कि आपको थायराइड की, आपको PCOS की, PCOD की, इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके बॉडी में ऐसे कंपाउंड रिलीज होते हैं सूरज की रोशनी में आते, जो आपकी सारी हार्मोनल इंबैलेंस को बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। लगातार 1 महीना लें, उसके बाद कमेंट करें कि हाँ दी, आपने सच कहा था कि सच में ऐसा हुआ, हमारा PCOS, PCOD बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, हमारा जो थायराइड था वो बहुत हद तक सुधर चुका है। आप खुद नोटिस करेंगे अपने अंदर बदलाव आते हुए। अगर आपको नींद बिल्कुल अच्छी नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी आपके दिमाग में सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सूरज की रोशनी ना लेने की वजह से हो रही है, तो इसके लिए आप सूरज की रोशनी लें, सूरज के संपर्क में आए। ये आपके दिमाग को शांत करती है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाती है, आपकी मेमोरी शार्प करती है, साथ में आपके जो मन के अंदर एक अंधेरा बढ़ गया ना, उसको ये खत्म करती है और आपके दिमाग को तेज करके उसमें सारे डिप्रेशन एंजाइटी को बिल्कुल खत्म कर देती है, आपके मन को एकदम शांत और साफ कर देती है। तो जरूर आज से खुद भी सूरज की धूप में बैठें और फिर देखें कि आपका डिप्रेशन, मन में डर, चिंताएं कैसे सब गायब हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप रोजाना एक अच्छी नींद ले पाएंगे, एक चैन से उठ पाएंगे और सुबह उठते ही बहुत एक्टिव फील करेंगे। आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं आती, आपने नोटिस करा है, आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च में भी पाया गया है कि जहां जो बाहर के देश हैं जहां धूप बहुत ज्यादा कम है, उनकी बोन्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, उनका फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, उन बच्चों की हाइट अच्छी नहीं होती है, उनकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक होती है, उनको हड्डियों से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं जिन देशों में धूप बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज से ही आप तो बहुत लकी हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और धूप का फायदा उठा सकते हैं, तो आज से ही धूप की रोशनी में जरूर जाएं, जरूर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें, और सूरज की रोशनी के अनगिनत फायदे हैं, तो आज से ही आप सूरज की रोशनी लें, क्योंकि अगर बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनफैक्ट ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है, आपको हाई BP की समस्या है या आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको ठीक करती है, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है, खून को पतला रखती है जिससे कि आपका दिल ठीक से काम कर पाता है, आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उसको निकालती है, आपके पूरे ऑर्गन्स को साफ करती है धूप। तो सुबह जब आप धूप में खड़े हों तो नंगे पैर खड़े हों, क्योंकि धरती में एक ऐसी ग्रेविटी होती है, जब सूरज की रोशनी बहुत देर तक धरती पर पड़ती है और जब हम उस पर नंगे पैर खड़े होकर सूरज की रोशनी लेते हैं तो उससे हमारे पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी दौड़ पड़ती है और सारी शरीर की तकलीफें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो जरूर सुबह सूरज की धूप लें और फिर देखें कि आपके शरीर में होने वाले बदलाव, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे, है ना। तो ऐसी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहें, अपना ख्याल रखें, ऐसी कुछ इनोवेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरी इस मेहनत के लिए अगर आपको थोड़ी भी फायदेमंद लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।